क्या मतलब अंगूठी नहीं है? कहाँ गई अंगूठी? इसी में तो रखी थी। मैंने खुद इसमें रखी थी रिंग। तुमने तो चोरी नहीं कर ली कहीं? क्या हो गया ना, किस तरह की बातें कर रही हो यार? बहुत घटिया सोचे तुम्हारे। हमारे भाई के सामने हमारी बेइज्जती की थी, आज पूरी दुनिया के आगे ब्लरियन की बेइज्जती हो रही। जिस तरह आज भाई ने मुझे घर जाने का कह दिया है, कल को अगर मरियम के कहने पर आपको भी यहाँ से जाने का कह देंगे तो आप कहाँ जाएंगी? मैं तो फिर भी अयाज के पास जा सकती हूँ, आपके पास तो कोई भी नहीं है। और जिसे आपने यहाँ रखा हुआ है उसे भी मैं साथ लेके जा रही हूँ। किसे? नौशीन को और किसे? क्यों? घर कौन देखेगा? मुझसे घर के काम शाम नहीं होते ना, मैंने जाके करने हैं, खुद ही जाएगी घर संभालेगी। अनु वहां तुम्हारे नौकर है ना, तो आप ही उनको सुपरवाइज करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, यहाँ पर तो कोई काम नहीं करती वो। अच्छा मूड सही करो, देख लेंगे। हाँ यार नौशीन, मैं कब से अनम को कॉल कर रहा हूँ, वो मेरी कॉल ही पिक नहीं कर रही है। भाई वो कमरे में बैठी रो रही है। रो रही है? वो क्यों, सब खैर तो है? घर से बेइज्जत करके निकाला जाएगा तो रोना तो आएगा। बेइज्जत करके? वो क्यों? हाँ भाई, लड़की की शादी हो जाए तो उसका मेका दूसरा ससुराल बन जाता है, तो समझे यही भाभी के साथ हुआ है। सबको उनका मान है ना खटक रहा है। What? अब ये कल की लड़की मेरी बीवी को निकालेगी घर से? बस कर दे भाई, आपको भी पता है आजकल सिप्टेंस सिर्फ अपनी बीवी की सुन रहे हैं, अनिला आप ही तक की नहीं सुन रहे। दो दिन हुए उसकी शादी को, बरम देखो। ऐसे ही होता है, आप भी तो सिर्फ अनम की सुनते और मुझे। अच्छा यार नौशीन, अब अपने आप को बीच में नहीं ले आना प्लीज। हाँ भाई यही तो फर्क है। खैर सत्यन ने आपको ऑफिस बुलाया है, आप चले जाइएगा। ऑफिस? मुझे क्यों? ये तो आप वहां जाएंगे तो पता चलेगा, एक काम करिए जरा जल्दी चले जाइएगा। नौशीन मेरी अच्छी बहन नहीं हो, तुम भी साथ चलो। नहीं मैं क्यों आऊंगी, वो भी बेइज्जत होने के लिए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आप जाएं। यार तुम भी साथ चलती तो अच्छा होता ना। नौशीन मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, सत्यन भाई कॉल आ रही है। सही है? ओके भाई, ऑल द बेस्ट, मुझे बताइएगा फिर क्या हुआ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सत्यन भाई। सत्यन भाई। सलाम अयाज, क्या हाल है आप? ठीक सत्यन भाई, आपने अचानक बुला लिया, सब खैरियत है? सब खैरियत है, आओ बैठो। मैं चाहता हूँ तुम मेरी फर्म के लिए काम करो। लेकिन सत्यन भाई, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो, वो भी हो जाएगा, लेकिन अभी मैं समझता हूँ तुम्हें काम सीखने और समझने की जरूरत है। इस लाइन में तुम नए हो, मार्केट को समझना है,
एचआर में लोगों से किस तरह से काम करवाया जाता है, क्या लीगैलिटीज होती हैं, वो सब समझने की जरूरत है। तो सिंस यू न्यू इन दिस फील्ड, तो बस मेक श्योर करना ये है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। सत्यन भाई, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा ही करूंगा। एक्सेलेंट। मेरी एचआर में बात हुई है, वहां पर राशिद नसीम साहब होते हैं, वो तुम्हें गाइड करेंगे। बेसिकली तुम्हें उनके अंडर काम करना हो। कुछ गया तुम मौका नहीं, तो आ जाओ कैफेटेरिया चलते हैं, कॉफी पीते हैं। हेलो समीर। ना सलाम ना दुआ, ये क्या तरीका होने वाले शोर से बात करने का? बस वैसे ही। कैसे आप? मेरी छोड़ो, तुम परेशान हो? समीर, कल रात जो भी हमारी एंगेजमेंट पर हुआ, आंटी इतना नाराज होके गई है। वो हमारे लिए क्या सोच रहे होंगे, हमारे घर वालों के लिए क्या सोच रहे होंगे? क्या वेट वेट वेट, सब कुछ एक सांस में बोलोगी क्या? समीर, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कल रात से हमारे घर में सब परेशान है। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ सब नॉर्मल है। तुम मुझे असल बात बताओ, परेशान क्यों हो? समीर, हमारे अब्बू ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, हम जिस मकाम पे खड़े हुए ना आज, उन्होंने बहुत कुछ किया है। समीर, हमारे माशरे में ना जहेज के नाम पे लड़कियों को ढेरों सामान दिया जाता है। तो अपने ससुराल में सुकून से रह सके, उन्हें किसी तानों का सामना ना करना पड़े। मुझे ऐसा लगता है हम दोनों के बीच जो ये स्टेटस का फर्क है ना, ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता। और कल रात जो भी हुआ उसके बाद तो शायद ही मैं आपके घर वालों के दिल में जगह बना सकूं। और मेरे घर वालों को भी हील आपके काबिल ही नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो यार, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इस वजह से अपनाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ढेर सारा सामान चाहिए? देखो यार, मेरी बात, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, मुझे ये फजूल सी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले आपको ना पड़ता हो, लेकिन आपके घर वाले, उनको तो पड़ता होगा ना? अम्मा को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस गुस्सा आ जाता है उन्हें, वरना दिन की बहुत अच्छी है वो। हाँ मेरी बात, तुम्हें इस चीज के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस हमारे बारे में सोचो, तुम कितनी जरूरी हो मेरे लिए इस बारे में सोचो, बाकी मैं और शेर पे संभाल। छोड़ो ये सब, मुझे बताओ कि तुमने अपने दोस्तों को बताया हमारी एंगेजमेंट के बारे में? वो बताया था मैंने।
तुम यहाँ कैसे? अरे नदीम भाई, क्या कहा? तुम यहाँ कैसे? जैसे आप यहाँ वैसे मैं भी यहाँ। जॉब मिल गई तुम्हें? जी। लेकिन जो सोच के तुम यहाँ आए हो वो तुम्हें मिलेगा नहीं। हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा। क्या है कि हमारी मंजिल एक ही है ना, बस देखना ये कि पहले पहुंचता कौन। और नदीम भाई, सर। अयाज सर। अच्छा भाई, आपको राशि सर ने बुलाया है। चले भाई, काम वाम करेंगे, थोड़े पैसे वैसे कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे, चलता हूँ। अभी आसिफ कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा। एक मिनट रुको। काम से जा रहे हो? दो ये कार्ड रखो अपने पास, इनसे भी मिल लेना जाके। किस लिए? तुम्हारी जॉब के सिलसिले में। रहने दे भाईजान, हमें आपका एहसान नहीं चाहिए। नहीं, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। एहसान ही तो है भाईजान, कल तक तो आप हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख रहे थे, और आज जब खसियानी बिल्ली खंबा नोचने लगी तो आपको मेरे बेटे का ख्याल आ गया। अच्छे से जानती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप कल रात वाली बात पे मिट्टी डालना चाहते हैं ना? क्योंकि आपको भी अच्छे से मालूम है जो आपने और आपकी लाडली बेटी ने कहा था ना, वो सरासर इल्जाम था मेरे बेटे पे। अगर मैं ये समझता होता ना कि मेरी बेटी ने कोई इल्जाम लगाया है, तो मैं तुम्हारे बेटे की सिफारिश उसकी नौकरी के लिए कभी भी ना करता। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि ये जो मेरी इकलौती बहन है ना, इसके सर पे एक आसरा आ जाए, इसका ये बेटा किसी काम पे लग जाए। अगर तुम नाराज हो ना मुझसे कल वाली बात पे, तो रहो नाराज, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं नाराज होना चाहूं तो मेरे पास 100 बातें हैं तुमसे नाराज होने के लिए। तुझे क्या जरूरत है लेने की? अम्मा समझा करो, इतने दिन से मामू को मनाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो नहीं मान रहे। ये मौका कैसे आज से जाने दूंगी? मरियम, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आप ही वो, मैं बोर हो रही थी तो बुक पढ़ रही थी। पहली दफा सुन रही हूँ कि घर में रहकर बोर हो रही हूँ। इतने काम होते हैं, मुझे तो लगता है कि दिन में घंटे कम है और काम ज्यादा। आप एक बात पूछूं? आपका दिल नहीं करता कि आप भी कहीं बाहर जाएं? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है इतनी गहमा गहमी है दुनिया में, जैसे हर कोई किसी ना किसी रेस में दौड़ रहा है, या कोई फ्लाइट पकड़नी है, या बस स्टॉप पे जाना है, बस पकड़नी है या ट्रेन। मुझे नहीं बर्दाश्त होता। मैं बहुत खुश हूँ अमन सुकून से अनीला हाउस में। तुम भी हो जाओगी, आदत पड़ जाएगी तुम्हें। ठीक, कोशिश कर रही हूँ।
अच्छा वो अनम से बहस हुई थी कोई? आप एक्चुअली गलती मेरी थी, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मैं मानती हूँ वो सबसे छोटी है तो इसलिए ज़रा स्पॉइल्ड है, और तुम तो बड़ी हो तो अच्छा होगा कि तुम उसे माफ़ कर दो। जी जी आप, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। और घर पे सब कुछ ठीक है? जी आप, सब ठीक है माशाल्लाह, मेरी बात हुई थी मम्मी से। ओठी मिली? नहीं। चलो तुम टेंशन ना लो, मिल जाएगी। कैसे मिलेगी आप, अगर नहीं होती तो कहीं मिल जाती। अच्छा अगर तुम घर पे बहुत बोर हो रही हो तो जाओ अपनी अम्मी को मिलाओ, इस तरह अम्मी का दिन भी बहल जाएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। अरे अच्छा हुआ कि तुम आ गई हो। ये क्या पी रही हैं आप? चाय, बड़ी मुश्किल से जहरा से बनवाई है। अब आपकी ना कोई भी मिन्नतें नहीं मानी जाएंगी। अरे मरियम बेटा ऐसा ना करो, चंद दिन रह गए, मुझे अपने शौक पूरे कर लेने दो। दादो आपकी इन डिप्रेशन वाली बातों के बातों ना आपकी चाय बिल्कुल बंद है। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो मैं नहीं करती। आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई। और तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई आने में? दादो यासिन ने मुझसे मार खा लेगा, आप ही आपको पता है मैं एक घंटे से कोचिंग में इसका वेट कर रही हूँ। लेकिन नहीं, फुटबॉल के मैच के चक्कर में बहन को लेना भूल गया, और मैं अभी ऑटो में आई हूँ आपको पता है। तुम्हारे अब्बा से कह के ना इसके मैच तो मैं बंद करवाती हूँ। दादो आपको पता है ना यासिर का फुटबॉल के बगैर कोई गुजारा नहीं होता। और तुम बताओ तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही हैं? बहुत टफ, क्योंकि अगले मंथ से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। दिल लगा के पढ़ाई करना ठीक है। अब कहाँ इसका ध्यान होगा पढ़ाई पे, अब मंगनी जो हो गई है। दादो मुझे ना कभी कभी लगता है हमारे दादू नहीं हमारी बेस्ट फ्रेंड है ना? अच्छा मरियम, शहीर से बात हुई, वहां सब ठीक है ना? जी दादू, सिर्फ 10 की बात हुई थी शहीर से, सब ठीक है। और तुम्हारे घर, वहां तो किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं नहीं दादू, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि अनिला आप ही ने मुझे कहा था कि जाओ सबसे मिलाओ घर में जाके। अपिया आपको यहाँ आने के लिए उनसे पूछना पड़ता है? नहीं वो मैं तो पता कर आई होगी, तुम खामखा बात को पकड़ कर बैठ जाती हो। अच्छा वैसे अपिया एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप जॉब कब से स्टार्ट कर रही हैं? अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं। क्यों, आप अब जॉब नहीं करेंगे क्या?
नहीं नहीं मुझे करनी है जॉब। तो करे ना जॉब। आप तो जॉब को लेके कितना पैशनेट थी ना, या क्या घरेलू औरतों की तरह घर में बैठ गए आप? बात तो है कि बिल्कुल सही है बेटा। ये बताओ, सिर्फ तय नहीं चाहता कि तुम जॉब करो? नहीं नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं है। सिप्तैन की तरफ से मुझे कोई भी रोक टोक नहीं है। मैं बस घर में कुछ वक्त गुजारना चाहती थी सबके साथ, ताकि सबको समझ सकूं। अबिया, आपकी शादी को तो अच्छा खासा वक्त हो गया और आप अभी भी ये सब सोच रही हैं। कहीं कोई बात परेशान तो नहीं कर रही आपको? मरियम, तुम इसकी बातों को छोड़ो। जब तुम्हें मुनासिब लगे तो फिर बात कर लेना। और हया, तुम जाओ जाके मुंह हाथ धो। जी दादी, मैं आती हूँ। कब, किससे और कैसे ये अंगूठी तुमने चोरी करवाई है? किसी और को पता चल गया तो क्या होगा? कैसे पता चलेगा? हाँ, आज मुझे पता चला है, कल सबको पता चल जाएगा। दीवारों के भी तो कान होते हैं, और सिप्टैन को अगर पता चल गया, घर से निकाल देगा आपको। मुझे इसकी इबादत करने दे। तो तुम जा रही हो फिर? जी आपी। फिर कब आओगी? आप ही अब जब कहेंगी ना, मैं आपके पास आ जाऊंगी। वैसे मेरा दिल नहीं था बिल्कुल भी जाने का, लेकिन आप मुझे भेज रही हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। वरना अनम कहती तो उसके कहने पे मैं कभी भी उसके साथ जाने पे राजी ना होती। अपना ख्याल रखना। तुम यहाँ थी तो बहुत आसरा था मुझे, कोई तो था जिसके साथ मैं अपनी दिलजोई कर सकती थी। आपी, आप अपना दिल छोटा ना करें। मैं हूं ना, आप जब कहेंगी मैं आपके पास आ जाऊंगी। इससे मुझे बहुत अफसोस होता है आपको देखकर। इस बड़े से घर में आप कितनी अकेली हैं, सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए हैं। आपी, आपको एक बात कहूं, अब आप भी अपने बारे में कुछ सोचें। सोचूंगी। खैर, तुम जाने की करो। आपी, मैं एक मिनट में आती हूं। हाँ मरिया, अब बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो? कुछ नहीं दादा, मैं बस सोच रही हूँ कि लड़कियों की जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। शादी से पहले माँ बाप की मर्जी, उनसे पूछो, शादी के बाद शोहर से पूछो, उसके घर वालों से पूछो, तब कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा किसी दूसरे का सहारा चाहिए। मतलब कि जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा किसी दूसरे का सहारा चाहिए, हमारी अपनी कोई मर्जी है ही नहीं। बेटा, तुम इसे अलग नजरिए से देख रही हो, और मेरी जिंदगी का तजुर्बा कुछ और कहता है। अच्छा, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखो बेटा, अल्लाह ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि औरत मर्द पर हुक्मरानी करे, और ना ही उसके पांव से बनाया है कि वो मर्द की गुलामी करे।
बल्कि उसकी पसली से बनाया है ताकि वो दिल के करीब रहे। मर्द और औरत एक दूसरे के लिए बने, वो एक दूसरे की ताकत भी है और कमजोरी भी। बेटा, अगर किसी भी काम के लिए तुम्हें किसी से इजाजत लेनी पड़ रही है तो उसका गलत मतलब मत निकालो। सब तुम्हारी परवाह करते हैं और तुमसे उम्मीद रखते हैं कि तुम उनको अहमियत दोगी। तो मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस कोशिश में मैं अपने आप को खो चुकी हूँ। हाया ठीक कहती है, वो मुझे मुझसे भी बेहतर जानती है। सारी भाग दौड़ में मैंने अपने आप को बिल्कुल खो दिया है, मैं भूल गई हूँ खुद को। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? पता नहीं दादू, कुछ है जो बहुत अजीब सा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या। मरियम बेटा, तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। क्या अयास को ऑफिस बुला भी लिया आज? जी हाँ, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे तो सुबह तो सिर्फ बात कर रहा था, मुझे क्या पता आज बुला लेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बहुत तेज लड़का है, इसने आते साथ ही सबके साथ दोस्तियाँ बना ली हैं। हाँ तो तुम क्यों नहीं करते दोस्तियाँ? जाके मिलो ना फिर लोगों से, जगह क्यों बैठ जाते हो? यार मुझसे नहीं होती, मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ और साइट्स वगैरह में भी जाना होता है। मैंने हर वक्त तो बाहर होता हूँ, ऑफिस में कहाँ होता हूँ मैं। ठीक, मैं बात करती हूँ सप्तन से कि तुम्हें अंदर के काम दे दे फिर। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ, ऐसी कोई बात ना करना। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता नदीम, तुमसे बात करना भी बेकार है। ये बात नहीं है, कुछ नहीं है। आखिर ये अयाज और नौशीन चक्कर क्या चला रहे हैं? आप ही से बात करती हूँ। आपी आपी, आपी ये ले, मैंने आपका काम कर दिया। Thank you very much. Thank you.
खटखटाने का रिवाज खत्म हो गया क्या? क्या अंगूठी? ये वही अंगूठी है ना जो मरियम ने अपनी बहन की रस्म के लिए? अगर ये मेरे पास है तो ये मेरी है ना सजीला। हपी सुन लिया सब मैंने, एक्टिंग नहीं करूं मेरे साथ अब। वैसा नहीं है जो तुम समझ रहे हो। अच्छा, अपने कानों से सुनकर आ रही हूं सब। कब, किससे और कैसे ये अंगूठी तुमने चोरी करवाई है? किसी और को पता चल गया तो क्या होगा? कैसे पता चलेगा? हाँ, आज मुझे पता चला है, कल सबको पता चल जाएगा। दीवारों के भी तो कान होते हैं, और सिप्टैन को अगर पता चल गया घर से निकाल देगा आपको। नहीं सचिला, कोई और नहीं सुने। अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो किसी को नहीं पता चलेगा। हाँ, अगर सिप्ते के सामने तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो फिर तुम बोलोगी। आप ही कभी तो इस शक की ऐनक को हटाकर सच देखने की कोशिश करो। खुशी हुई है मुझे तुम्हें। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ये समझती थी कि तुम बेचारी मरियम के पीछे ऐसी ही पड़ी रहती हो। तरस आता था मुझे उस पर, वो तो बहुत खुंडी निकली। मेरे ही भाई के कान भरने चली थी ना मेरे खिलाफ। और मैं, बेचारी मरियम की फैमिली, बेचारी मरियम, ये लोग कितने परेशान है, हर वक्त तरस आता था मुझे। इनापी, तुमने ले लिया बदला, शुक्र है। मैंने कोई बदला शदला नहीं लिया सजीदा, ये मैंने अपना हक वापस लिया। मेरा भाई बड़ी मेहनत करता है, पैसे कमाते हक हलाल के। उस बेवकूफ मरियम और उसकी लालची खानदान पे खर्च करेगा? बिल्कुल नहीं। इतनी महंगी अंगूठी, दिमाग खराब है इस सप्तान का क्या? इस तरह की महंगी अंगूठी कौन देता है अपनी साली के होने वाले शोहर को? पता नहीं क्या सोचा था और क्या हो गया। इस शादी से बड़ी उम्मीद थी लेकिन दिली तोड़ दिया सिप्ता ने। आप, तुम्हें समझ आया सजीला मैं शादी के खिलाफ क्यों थी? अब नहीं, तुम तो अंधी हुई भी थी ना भाई के प्यार में। देख लो यार, आप ही जो हो गया वो हो गया। ये सोचो इस अंगूठी का करना क्या है, क्योंकि अगर ये किसी के भी हाथ लग गई ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखो, बता रही हूं तुम्हें। ज़ाफ़ी कितनी अजीब बात है ना, तुमने अपनों को छोड़कर गैरों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। हाँ, करना पड़ा है सजीला, क्योंकि मैं तुम पे नहीं भरोसा करती। तो चुटकी बजा के बदल जाती हो, कभी मरियम की तरफ मीठी और कभी मेरी तरफ। आप ही अपने अपने होते हैं, सगे सगे होते हैं, बहन बहन होती है, और राजदार राजदार, और बहन से बढ़कर राजदार कोई नहीं हो सकता, ये याद रखना। तो
रुको, बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे खफा हो, और बनता भी है। सबके सामने तुम्हारा पोल जो खोल दिया मैंने। आपकी फजूल बातें सुनने का ना कोई टाइम नहीं है मेरे पास। अरे एक तो तुम दोनों बहनों को पता नहीं मेरी बातें फजूल क्यों लगती हैं। हर वक्त गुस्सा नाक पर बैठा रहता है। आप जो बात करने आए ना वो करें और मुझे जाने दें। अरे मैं तो सॉरी करने आया था, लेकिन तुम हो के सातवें आसमान से नीचे ही नहीं उतरते। मुझे नहीं चाहिए आपका सॉरी। ठीक है मत लो सॉरी, लेकिन आराम से बात तो कर सकते हैं ना। अरे एक ही घर में रहते हैं, कजन हैं हम लोग। कजन है ना, तभी आपकी घटिया हरकतें बर्दाश्त कर लेती। चलो ठीक है, लेकिन आप हमारे दरमियान कोई नाराजगी तो नहीं है ना? हयो हट जाए मुझ दादी का। सलामुअलैकुम आपी। वालेकुम सलाम। आ गई जी। कैसा है वो ड्राइवर के साथ? सिपेन कर फोटो अभी तक नहीं आया। मुझे तो लगा था वो तुम्हारे साथ है, कॉल करके पूछो कहाँ है। वो मेरी उनसे सुबह से बात नहीं हुई। सुबह से शाम हो गई और तुम्हें नहीं पता कि सिप्ते कहाँ हैं? कॉल करो उसे। सुबह से अभी तक बात नहीं हुई अभी? वो एक्चुअली आप ही, उन्होंने कहा था कि उनको कोई काम है, वो लेट हो जाएंगे। शादी से पहले भी सिप्ते लेट हो जाता था, लेकिन मुझे हमेशा पता होता था वो कहाँ है, किसके साथ है, कब वापस आएगा। मरियम, अगर सिप्ते की जिम्मेदारी तुम्हें दे दी है तो तुम उसको सही तरह से निभाओ। उसकी फिक्र करना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारा फर्ज भी है। कॉल करो उसे। जी फिक्र पड़ गई है मुझे, अल्लाह खैर करे। आप टेंशन इजी ले रही है। क्या फोन नहीं उठा रहे? सात अफसर आ गई, कॉल आ गई। हेलो जी मरियम, सिप्टेन आप कहाँ हैं? कब तक आएंगे? हाँ मैं बस निकल रहा हूँ ऑफिस। ठीक है अल्लाह हाफिज। ओके बाय। ठीक है किधर है? जी वो कह रहे हैं कि वो ऑफिस से निकल रहे हैं। हाँ सुन तो नहीं गया इसने कुछ? सुनी होती तो ऐसे ना होती।